कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, और अगेन ये खालिस्तान वाला ही मसला है। हैरानी वाली बात ये है कि एक तरफ भारत सरकार कनेडियन गवर्नमेंट के साथ बराबरी की टक्कर ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के सामने भारत थोड़ा सा झुकते दिखाई दे रहा है। पूरी न्यूज़ क्या है वो आप बेहतर जज कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद। आपको याद होगा अमेरिका ने कुछ ही महीने पहले भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एक एजेंट ने अमेरिकन धरती के ऊपर सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरबतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश की थी। अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाए थे कि भारत के एक एजेंट ने चेक रिपब्लिक में रह रहे निखिल गुप्ता को हायर किया था और उसको कहा था कि वो अमेरिका में एक हिटमैन को हायर करे जो पन्नू की असैसिनेशन करेगा। अमेरिका ने इस भारत के एजेंट को कोडनेम दिया था CC1। निखिल गुप्ता की तरह इस CC1 का पब्लिक डोमेन में कोई भी नाम नहीं बताया गया था। शायद अमेरिका को पता ही नहीं है कि ये कौन है, या फिर ये किसी और रीजन से CC1 की आइडेंटिटी छुपाई जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज ने CC1 का नाम विक्रम यादव होने का दावा किया था, लेकिन US गवर्नमेंट ने CC1 का नाम अभी तक नहीं बताया है। हालांकि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में निखिल गुप्ता और CC1 इन दोनों के खिलाफ केस जरूर चल रहा है। अमेरिका ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं और प्रॉपर मनी ट्रेल भी है जिससे पता चलता है कि कौन से अकाउंट से पैसे कहां पर ट्रांसफर हुए, किसने ट्रांसफर किए और किसको किए गए। ये सारी डिटेल्स अमेरिका के पास है। अमेरिका के मुताबिक निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक हिटमैन को $100,000 कमिट किए थे, जिसमें से $60,000 निखिल गुप्ता ने असैसिनेशन करने से पहले US में हिटमैन को ट्रांसफर भी कर दिए थे। लेकिन निखिल गुप्ता ने जो हिटमैन हायर किया था वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA द्वारा प्लांट किया गया एक अमेरिकन एजेंट था, इसलिए अमेरिका को इस असैसिनेशन अटेम्प्ट का पता चला था, ये अमेरिका का कहना है। इसके बाद अमेरिका ने चेक रिपब्लिक को कॉन्टैक्ट करके कहा था कि वो निखिल गुप्ता को अमेरिका को एक्सट्राडाइट करें, यानी कि उसकी कस्टडी अमेरिका को सौंप दें, क्योंकि उसने अमेरिकन सॉइल के ऊपर एक US सिटीजन की हत्या करने की कोशिश की है। जिसके बाद चेक रिपब्लिक की कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद चेक रिपब्लिक ने निखिल गुप्ता को अमेरिका को एक्सट्राडाइट करके सौंप दिया था, और ये निखिल गुप्ता आज की डेट में अमेरिका की जेल में है। अब इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई CC1 के खिलाफ भी अमेरिका में केस चल रहा है। अमेरिका के सामने जब ये केस आया उसके तुरंत बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत सरकार को कॉन्टैक्ट किया और कहा कि भारत सरकार भी इस मामले में इंक्वायरी करे, अमेरिका के साथ कॉपरेट करे और CC1 नाम के व्यक्ति के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि वो अमेरिकन सॉइल के ऊपर US सिटीजन की हत्या की कोशिश कर रहा था जो कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ है। अमेरिका की रिक्वेस्ट के बाद भारत सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था जो इस पूरे केस के ऊपर अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी और भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हालांकि जिस तरीके से कनाडा ने ओपनली भारत के ऊपर आरोप लगाया था ठीक वैसा कुछ भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुआ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीजें आगे बढ़ रही थी। अब इसी केस को लेकर एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है और ये आज का ही आर्टिकल है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने CC1 कोडनेम वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। CC1 जिसने चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता को हायर किया था उसको गवर्नमेंट जॉब से भी टर्मिनेट करके निकाल दिया गया है और अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। CC1 को अरेस्ट करने के साथ साथ भारत के अंदर उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब इसके और भी लिंक्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। भारत की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया है और इस पूरे केस के ऊपर फाइंडिंग्स को शेयर करने के लिए भारत की जो ये इंक्वायरी कमेटी है उसके कुछ मेंबर्स आज 15 अक्टूबर को अमेरिका के वॉशिंगटन जा रहे हैं और ये टीम अमेरिका में लैंड हो चुकी है और आज से मीटिंग्स शुरू होने वाली हैं। भारत की इस टीम द्वारा अमेरिका को बताया जाएगा कि CC1 के खिलाफ भारत ने क्या एक्शन लिए हैं और जो अमेरिका ने भारत को सबूत दिए थे उसके ऊपर भारत ने क्या एक्शन लिए हैं और भारत सरकार की इसमें कोई भी भूमिका नहीं थी। इन शॉर्ट भारत अमेरिका को बताएगा कि हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या स्टेप उठाए। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो इस बात से बेहद खुश है कि भारत सरकार इस पूरे केस में उनके साथ कॉपरेट कर रही है। ये दिखाता है कि दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। खैर आपका क्या मानना है कि क्या CC1 नाम के इस व्यक्ति को अरेस्ट करके भारत सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।